बाद जो हमारे रेलवे का शानदार दिन प्रतिदिन कवरेज कर रहे हैं, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण व क्रिमिलेयर का जो फैसला सुनाया गया, पूरा भारत बहुजन समाज अनुसूचित जाति जनजाति इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि इनकी जो नीति है वो वर्गों में बांटने की ही रही है और अब फिर हमें आपस में लड़ाने की नीति अपना रही है। हम उस मिशन को लेकर ये राष्ट्रव्यापी भारत बंद की श्रृंखला में नवलगढ़ को भी हम बंद का आह्वान किया है और व्यापार मंडल से घूमचक्कर व्यापार मंडल के अध्यक्ष उनसे सभी से हमने उनकी राय ली है और उनको हमने हमारी बात रखी है तो उन्होंने अपनी सहमति दी है। कल नवलगढ़ 21 तारीख को बंद का आह्वान किया गया है और बंद रहेगा पूर्ण रूप से। कल का रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप ये रहेगा, जो गांव से लोग आएंगे वो अंबेडकर पार्क आएंगे, अंबेडकर पार्क से चूना चौक शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए घूमचक्कर SDO कोर्ट रैली जाएगी, वहां पर राष्ट्रपति महोदय के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर पार्टियों की बात करें तो कौन कौन सी पार्टियों का समर्थन है वो अब तक मिला है? अभी कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन है, झुंझुनू की जो टीम है जिला अध्यक्ष भाजपा उन्होंने भी समर्थन दिया है, जाट महासभा है उन्होंने समर्थन दिया है, जो माइनॉरिटी है मुस्लिम महासभा है राजस्थान की उन्होंने भी समर्थन दिया है, बंद का समर्थन किया उन्होंने। तो ये जो कल बंद रहेगा तो स्कूलों को भी आपको समर्थन मिला है? बिल्कुल, स्कूलों का समर्थन मिला है कि स्कूल कल बंद रखी जाएगी। बाजार का क्या रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों एक मार्केट बंद रहा था तो नवलगढ़ में 12 बजे बाद में दुकानें वापस खुल गई थी, तो इस बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, हम न किसी जाति के न किसी धर्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई है वो सरकार से इस फैसले के खिलाफ है, तो हम किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आपने दुकान क्यों खोली है, वो प्रशासनिक जाप्ता है वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन व्यापार मंडल ने सहमति दर्शाई है कि हम आपके साथ में है, चाहे घूमचक्कर व्यापार मंडल हो चाहे मुख्य बाजार के व्यापार मंडल पदाधिकारी हो, सभी ने अपनी सहमति दर्शाई है और इस नवलगढ़ बंद में वो हमारे साथ में है। जो भी रैली में शामिल होंगे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? रैली में शामिल होंगे, मैं भी जो मैंने बताया कि हम जाति समुदाय किसी के खिलाफ नहीं है, हम इस फैसले के खिलाफ है, हमारा नारा जो रैली से संबंधित है, बाबा से संबंधित है, वही नारे लगेंगे, अन्य एक भी नारा अंदरगल नहीं लगेगा। हम किसी भी पूर्व विधायक वर्तमान विधायक के खिलाफ नहीं है, जो भी आएगा चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, प्रधान हो आएगा उनका स्वागत है, रैली में शामिल हो सकते हैं, वो हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है। आप दूसरी बार हमारे पास आए हो उसके लिए आपको धन्यवाद दिया भाई साहब ने, और हमारा जो रैली का प्रोग्राम है साथियों, ये पूरे मुल्क के अंदर 21 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा और भारत बंद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो असंवैधानिक है, हमारी धारा 340, 341, 342 का इन्होंने उल्लंघन किया है कोर्ट ने, इस उल्लंघन के खिलाफ नवलगढ़ कस्बे के अंदर हम 30 साल से रैली निकाल रहे हैं, हमारा आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि हमने को रैली के अंदर प्रावधान डाला है और हमारा पूरे गाँव ने साथ दिया है। अब हमारा पूरे व्यापार मंडल से सभी गांव वालों से निवेदन है कि इस गली के अंदर हमारा सहयोग दें, और जिस तरह व्यापार मंडल ने बाजार बंद करके हमें बताया है, लिखित में दिया है कि हम पूर्ण रूप से बाजार को बंद रखेंगे, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि कल गली के अंदर सब लोग शरीक हो, और शरीक होने के बाद में हमारा रूट साहब आपको बता दिया, अंबेडकर पार्क से शुरू करके कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन देने के बाद में जो बसें बाहर से आएगी उसका रूट चार्ट वगैरह सारा कोर्ट के SDM साहब ने और DPC साहब ने बिल्कुल तय कर दिया है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे। रहा सवाल हमारी मांग का, तो साथियों नवलगढ़ के अंदर, नवलगढ़ में मेरे हिसाब से, मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि नवलगढ़ कस्बा बहुत बड़ा अंबेडकरवादी है, यहाँ पर हमारी ये गुजारिश है कि जितने भी हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में है वो लोग सारे अपने गाड़ी से आएंगे, अपने साधन से आएंगे, बड़ी शांतिपूर्वक हम इस रैली को निकालना चाहते हैं और सभी से अपेक्षा करते हैं, आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसमें शरीक होकर हमारा सहयोग करें। जय हिंद। मेरे साथ मैंने आपको बता दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध इसमें
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जिस तरीके से वर्गीकरण करके और फैमिली के आधार पर आरक्षण को बांटने की जो आदेश आया है उसके विरुद्ध में पूरा भारत बंद है कल 21 तारीख और उसी श्रृंखला में नवलगढ़ भी बंद है। और नवलगढ़ बंद में आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी सर्व समाज के सभी आम बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब कल सुबह 10 बजे यहाँ पधारें अम्बेडकर पार्क में। यहाँ से इस फैसले के विरुद्ध में महाजन सैलाब के रूप में जो रैली निकाली जा रही है वो यहाँ से चलकर SDM कार्यालय जाएगी और वहाँ जाकर हम ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन के तहत हम ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि इस फैसले के विरुद्ध पिटीशन लगाई जाए और इसको तुरंत प्रभाव से संविधान में के साथ जो छेड़छाड़ है उसको बंद किया जाए और एक प्रस्ताव पार्लियामेंट में लेके और इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए कि आरक्षण में किसी तरीके का भेदभाव या बदलाव नहीं किया जाएगा आने वाले समय में। और हम जिस तरीके से हमें जिस तरीके से आम जन का जो समर्थन मिल रहा है, चाहे वो व्यापार मंडल हो चाहे वो स्कूल हो, जिस तरीके से हर व्यक्ति आगे बढ़ के हमें समर्थन दे रहा है उस तरीके से हम एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल नवलगढ़ में जन सैलाब आएगा और जन सैलाब इसलिए भी आएगा क्योंकि किसी जाति धर्म के विरुद्ध नहीं है, सर्व समाज इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, सब साथ दे रहे हैं और चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे OBC हो SC ST के अलावा सभी जितने भी धर्म हैं जितने भी कास्ट हैं सब हमारे साथ हैं। और विशेष करके आपको पहले देखने को मिलेगा कि अनेकता में एकता का जो सूत्र हमारे देश पर लागू होता है वो कल आपको देखने के लिए भी मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रैली के अंदर मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के आने वाले जो मेरे साथी हैं, तो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनकी व्यवस्थाओं का तो हम ध्यान रखेंगे परंतु किसी भी तरीके से कोई आवेश में आके कोई ऐसी घटना ना करें जो कानून के विरुद्ध हो और हमारे जो शांतिपूर्वक शहर है और हमारा जो शांतिपूर्वक जो हमारे लिए निकाली जाएगी उसमें कोई व्यवधान पैदा करे। परिवहन व्यवस्था और जो भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन रहती है उसमें थोड़ी कोई व्यवधान रहेगा आपके? नहीं, इसमें हमने ये किया है आगे आगे हमारी रैली चलेगी, पीछे मोटरसाइकिल रहेंगी, मोटरसाइकिल अगर कोई साथ चलेगी तो वो पीछे चल सकती है। इसके अलावा 4-व्हीलर जितने भी हैं वो यहाँ से सब उतार के जो अलग अलग हमने पॉइंट्स निर्धारित किए हैं वहाँ उतर के और सीधे SDM कार्यालय के वहाँ। नहीं, मेरा सवाल था जो अपना लोकल ट्रांसपोर्टेशन रहता है या बस वगैरह, उन्होंने भी हमारे को समर्थन दिया जिसमें जो रूट चार्ट है उस रूट चार्ट के अंदर कल परिवहन व्यवस्था नहीं रहेगी। ये हमने पहले ही SDM साहब को और डिप्टी साहब से आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि परिवहन जहाँ से रैली का जो समय रहेगा रैली जहाँ से निकलेगी, रैली का समय वैसे तो हमारे को कोई बाउंड नहीं किया गया है परंतु सुबह 10 बजे यहाँ से रैली रवाना होगी और 2 बजे के डेढ़ 2 बजे के लगभग हमारे SDM कार्यालय पहुँचेंगे और पूरे जोर से हम विरोध करते हुए ये जताना चाहेंगे कि सरकार अब तो जाग जाओ, संविधान के साथ छेड़छाड़ का मतलब है देश के अंदर बहुत बड़ा, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए संविधान में जो लिखा हुआ है जो आरक्षण तय है उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए, इसी के विरोध में कल की रिपोर्ट द्वारा हमारे SC ST में जो ये कोटे में कोटा लागू करके हमारा दोबारा बोलते तो हमारे भी दिक्कत है। बताओ ते लंबो क्यों बोल रहे हो? सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे SC ST में कोटे में कोटा लागू करके जो हमारा आरक्षण खत्म करना चाहती है उसके खिलाफ हमारी अनुसूचित जाति जनजाति का पूरा संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके उपलक्ष्य में हम पूरा नवलगढ़ का बंद का पूरी टीम देख रहे हैं और कल की गैदरिंग बहुत अच्छी गैदरिंग होगी, कम से कम 10 से 15 हज़ार आदमी कम से कम होंगे। तो मैं नवलगढ़ की संपूर्ण जनता से निवेदन करता हूं कि आप सभी पधारे और आए कि हक और अधिकार की लड़ाई में बुलावा नहीं दिया जाता, जिसका जमीन जिंदा होता है वो खुदा खुद चला आता है। जो आरक्षण को कई वर्गों में जो वर्गीकरण करके इसको धीरे धीरे बंद करने की ओर अग्रसर हो रही है, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करके हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि इसको हमेशा के लिए रोक लगाया जाए कि आरक्षण जिस प्रकार से बाबा साहब ने दिया था वो हमेशा के लिए जारी रहे। इसके लोकसभा से मेरा निवेदन है कि वो इसको विधेयक पारित करके और हमेशा से हमारी समस्या निजात लाए। हमारे जो आंदोलन है इसको सर्व समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं सभी वर्गों से निवेदन करता हूँ कि हमारे आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें इसमें अपनी ओर से पूरा योगदान दें। बस ठीक है।